और मैं जा रही हूँ मार्केट। दिखा अपना फेस, दिखा, इसको जूम करके लिया जाए। मम्मी मैं तो जा रही हूँ घूमू। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स, और मैं हूँ रिचा। तो आज की ब्लॉग के स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम के 5 बजे से। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ मार्केट। मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरी कोई भी तैयारी नहीं हुई है, तो मार्केट जाते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं जो भी मिल जाए। तो मैं मार्केट जा रही हूँ अपनी बहन के साथ, तो उसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा मुझे घर। तो बस निकलते हैं और घर जाके आप लोग से मिलती हूँ। फिर मैं घर पहुंच चुकी थी, उसके बाद चले गए हम मार्केट। मार्केट में कोई भी कपड़े ढंग के लग नहीं रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि सेकंड ऑप्शन है डीमार्ट का, वहाँ पे मुझे टॉप या वन पीस वगैरह कुछ मिल जाएगा। और सच में मुझे बहुत अच्छा ड्रेस मिल चुका है। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और हम अभी डीमार्ट गए हुए थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ था थोड़ी सी क्लिप। तो अभी हम वापस आ चुके हैं। डीमार्ट से लेना था मुझे थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान और कुछ टॉप टी शर्ट्स लेने थे ले जाने। मैं अपनी मम्मी और अपनी छोटी वाली बहन के साथ गई हुई थी। तो ये है मेरी बहन। तो गाइस, ये है मेरी बहन जो कि हमेशा अपना फेस छुपाते रहती है, और देख सकते हो आप, दिखा अपना फेस, दिखा, देख नरी, थोड़ा सा तो देख मेरे व्लॉग में, देख कहाँ आएगी तू बाद में। तो गाइस देख रहे हो, बोल रही है मैं बाद में आऊंगी, पता नहीं बाद में कहाँ आएगी। तो इसको जूम करके लिया जाए, जूम कर। आप लोगों को मिलवा देती हूँ मैं अपनी मम्मी से भी। मेरी मम्मी आटा गूंद रही है। तो गाइस मम्मी बना रही है यहाँ पर रोटी, और मम्मी मैं अभी जाने वाली हूँ करके मैं रोटी नहीं बना रही हूँ 5 मिनट में। तो गाइस जब भी मैं घर आती हूँ ना, तो घर में खाना भी मैं ही बनाती हूँ, तो रोटी सब्जी। और आज मेरे को जाना है, मीन्स मेरे को वहाँ घर जाने में भी लेट हो जाएगा, और कल से पैकिंग स्टार्ट करनी है, इसीलिए मैं अभी खाना नहीं बना रही हूँ, अदरवाइज मैं ही बनाती हूँ, है ना मम्मा। आज बनाना पड़ रहा है ना मम्मी को रोटी, घूम के आ रही है, थक भी गए हैं बहुत, तब भी रोटी खाना बनाना पड़ रहा है। मैं तो जा रही हूँ घूमू, जा रही है, कब आएगी थी, कितने दिन बाद आई, 2-4 दिन के बाद। अच्छा, एंजॉय करना, बाहर घूमने जा रहे हो तो।